रिंग रोंग 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 बंटी 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 क्या कर रहे हो? स्कूल का टाइम हो गया, जल्दी करो। मासी, हाँ? अभी तक मेरा होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ, लास्ट क्वेश्चन पे अटका हूँ। क्वेश्चन क्या है? आपको आंसर नहीं आएगा। बताओ तो सही। ओके, आप ये बताओ कि एस्ट्रोनॉट हवा में कैसे उड़ते हैं, और वो भी एक साइंटिफिक रीजन। साइंटिफिक रीजन क्यों? नहीं आया ना? अच्छा, अपने मासी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। एस्ट्रोनॉट हवा में उड़ते नहीं है, वो लोग हवा में तैरते हैं, क्योंकि वहाँ जीरो ग्रेविटी होती है। थैंक यू मासी, यू आर ग्रेट। वो तो मैं हूँ। अब जल्दी करो, स्कूल बस आ जाएगी। अगर अर्थ पे भी जीरो ग्रेविटी होती तो कितना मजा आता। मैं रोज रोज स्कूल उड़ते हुए जाता, बस छूटने का कोई झंझट ही नहीं। बस आके जल्दी इसे 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 डाल, जल्दी जाओ, बाय, आराम से जाना। बच्चे भी ना कुछ भी बोलते हैं। वैसे बात तो सही है, हवा में उड़ना कैसा लगता होगा? क्यों मेरी प्यारी अंगूठी, तुम मुझे बताओगी ना कि हवा में उड़ना कैसा लगता है? ट्राई करें। क्यों बाबूजी, ट्राई करते हैं। रिंग रोंग रिंग, मैं हवा में उड़ने लग जाऊं। रिंग रोंग रिंग। मानसी, मेरी रिंग, रिंग गिर गई। पाउची पाउची रिंग, क्या करूं? नीचे कुर्सी कुर्सी नीचे नीचे रिंग। अरे नहीं नहीं नहीं, नीचे नीचे, रुको 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 रुको, अरे नीचे नीचे मेरी रिंग गिर गई। पाउची, मानसी मानसी नहीं, मानसी मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मेरा टिफिन जी किचन में है, ले लीजिए ना, मैं बिजी हूँ। हाँ, आजकल कहाँ टाइम होता है तुम्हारे पास, तुम्हारे लिए भाई। इनको पता चल जाएगा मैं मर जाऊंगी। बाबूजी प्लीज कुछ कीजिए। बाबूजी क्या दिया है आज खाने में तुमने? कल तुमने चने दिए थे, जरा वो बादी होते हैं। जी आपने बुलाया? कहाँ से आई, कब आई और कैसे आई? जी मैं आपको सरप्राइज देना चाहती थी। सरप्राइज। सो स्वीट, आई लव योर सरप्राइजेस। तुम्हें याद है तुमने एक बार मेरी फाइल में एक कॉकरोच रख दिया था, मैं कितना सरप्राइज हो गया था। सरप्राइज? मुझे लगा था आप डर के मारे चीखे थे। हाँ, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि मैं डरूं या सरप्राइज हूँ। एनीवे मैं चलता हूँ। ओके बाबूजी, विश मी लक बाबूजी, पाए लागो बाबूजी। मानसी मानसी, अरे नहीं नहीं नहीं, मेरे पैर मत छुइए, मुझे पाप लगेगा। मैं छू नहीं रहा हूँ, तुम्हारे पैर हवा में है, हवा में। अब योगा, मैं योगा कर रही हूँ। योगा? योगा ऐसा होगा जी, इसे ना हवासन कहते हैं, इसे करने से इंसान हवा में उड़ने लगता है। और हाँ, माँ जी ने ना मुझे स्ट्रिक्टली मना किया था कि ये बात मैं किसी को नहीं बताऊं। माँ ने कहा होगा तो सही कहा होगा, और कुछ भी होगा ये योगा तो जरूर होगा। हाँ हाँ। एनीवे मैं ऑफिस चलता हूँ, मुझे गुड लक विश करो। गुड लक क्यों? आज ऑफिस में हम में से किसी एक को प्रमोशन मिलने वाली है। क्या मुझे मिल जाएगी प्रमोशन? हाँ हाँ, क्यों नहीं मिल सकती है, जरूर मिलेगी। अरे प्रमोशन तो मुझे ही मिलेगा। रियली राज, इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारी पोस्ट विजय भाई साहब की पोस्ट से ऊंची हो जाएगी भाई। हाँ, अगर बॉस ने मेरी बात सुन ली तो। क्यों नहीं सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। आप इतनी ईमानदारी से काम करते हैं तो प्रमोशन तो आप ही को मिलना चाहिए ना। ईमानदारी से वो काम करते हैं बिंदु डार्लिंग, जिनके पास मेरे जैसा दिमाग नहीं है। अरे लेकिन राज, विजय भाई साहब भी तो लाइन में होंगे ना। उसकी तुम टेंशन मत लो,
जब तक विजय कॉन्फिडेंट होकर बोलेगा तब तक तो पूरे स्टाफ को प्रमोशन मिल जाएगा। Really, darling. Oh, sorry, sorry. क्या कर रही हो तुम? Sorry, darling, sorry. और सुनिए, कॉन्फिडेंट होके जाना। Yes. मगर वो राज, उनकी बात छोड़िए ना, इस प्रमोशन पे सिर्फ आपका हक है, आप अपनी बात पे टिके रहना, हिलना मत। मैं तो टिका रहूंगा लेकिन तुम जरा जमीन पर टिक जाओ क्योंकि काफी देर से हवा में हो। जी जी जी, ऑल द बेस्ट, आप जाइए जाइए। डोंट ओवरडू इट। हां, बाय। ओह, रिंग। भगवान, जल्दी जल्दी। रिंग रॉन्ग रिंग, मैं पहले की तरह जमीन पे रहूं। रिंग रॉन्ग रिंग। मैं जमीन पर हूं। ओ यस। ओह, आज तो बहुत बुरी फंसती लेकिन बच गई। कैसा लगा आपको मेरा आइडिया सर? क्या विजय, क्या हो रहा है? प्रमोशन कैसे मांगूंगा उसकी तैयारी की जा रही है? नहीं, मेरे दिमाग में एक नया आइडिया आया है ऐड के लिए। वो बॉस को मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा ये मन ही मन बता रहा था मैं। अगर बॉस को ये आइडिया पसंद आ गया ना तो मेरा प्रमोशन पक्का। अब स्लो मोशन, मैं दिलवाऊंगा तुझे प्रमोशन। मुझे बताना अपना आइडिया, बताना। नहीं, सीधा बॉस को बताऊंगा तो सीधे गालियां मिलेंगी दोस्त। देख भाई, मेरी राय ये है कि पहले किसी और के साथ डिस्कस कर ले, देख ले कि उसको भी पसंद आता है या नहीं। नहीं, मैं मानसी से पूछना चाहता हूँ लेकिन मानसी से पूछने के लिए मुझे घर जाना पड़ेगा और घर जाके लौट के आने में तो बहुत देर हो जाएगी, तो मैं किससे डिस्कस करूँ, किससे? दोस्त, मैंने हमेशा हमेशा अपने आप को तेरा फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड माना है। मुझसे डिस्कस करना, मुझे बताना, हैव फेथ इन मी। ये ठीक रहेगा, ये ठीक रहेगा। मेरा ऐड का आइडिया ऐसा है कि अगर हम अपनी ऐड में बच्चों को शामिल कर लें, अगर बच्चे इस चीज को ग्रैब कर लेंगे तो हमें दो लोग और मिलेंगे, बच्चों के माँ और बाप, उनके पेरेंट्स, इससे हमारी रीच बढ़ जाएगी। कैसा लगा आइडिया? छोड़ यार, तुझे बुरा लगे? नहीं नहीं, मुझे खुल के बताओ अपना, गिव मी योर ऑनेस्ट ओपिनियन प्लीज। ऑनेस्ट ओपिनियन तो सुन, इससे ज्यादा बेकार, घटिया, वाहियात, नॉनसेंस, नॉन क्रिएटिव आइडिया मैंने आज तक कभी नहीं सुना। तेरे दिमाग में ऐसे आइडिया आते कहां से हैं? तुझसे बेहतर तो अपना ये ऑफिस का पियोन है ना, बाबूलाल, ये सोच ले। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बॉस। अरे कल जो वो हम। गुड मॉर्निंग बॉस। सॉरी। हाँ, तो मैं क्या कर रहा था, कल वो कैंपेन डिस्कस कर रहा था, उसके बारे में कुछ नया आइडिया आया तुम लोगों के दिमाग में? सर मैं सोच रहा था कि आप तो रहने दीजिए मुझसे भी, क्योंकि जब तक आप सोचेंगे, बोलेंगे, डिसाइड करेंगे तब तक तो हमारा प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। सर, मेरे पास एक आइडिया। हाँ बोलो। सर, मैं क्या सोच रहा हूँ कि इस बार अपने एड कैंपेन में हमें बच्चों को शामिल करना चाहिए। बच्चों? क्या है ना सर, अगर बच्चे इसे ग्रैब करते हैं तो उनके साथ साथ दो लोगों को और उन्हें पसंद करना पड़ेगा, और वो होंगे उनके पेरेंट्स यानी कि माँ और बाप। इससे क्या कि हमारी रीच बढ़ेगी सर, रीच। सर सर, ज्यादा सरफराने की जरूरत नहीं है मिस्टर, मैं राज से बात कर रहा हूँ। राज, वेरी गुड, इस बार हम लोग इसी पैटर्न पे काम करेंगे। अच्छा, एक बात तो बताओ कि तुम्हारे दिमाग में ये आइडिया कैसे आया? ये बिजनेस स्टॉप। क्रिएटिव आदमी हूँ, आइडिया टपकते रहते हैं, कभी यहाँ से कभी वहां से, दाएं से बाएं से। बजी, शट अप। सर, वो मेरा प्रमोशन। प्रमोशन? शट अप। व्हाई नॉट, यू डिजर्व इट, यू डिजर्व इट। कल मुझे याद दिलाना। बट सर, ये तो कोई बात, सर प्रमोशन क्या है? यार विजय, तुम तो कुछ बोला ही नहीं, बॉस से अपनी बात ही नहीं कही, तुझे ना आवाज उठानी चाहिए। मैं आवाज उठाऊंगा, एक दिन मैं आवाज उठाऊंगा, जरूर उठाऊंगा। तुझसे तो पानी का ग्लास नहीं उठ रहा, तू आवाज कैसे उठाएगा? हाँ। और हालत देख अपनी यार, तो कितना कमजोर हो गया। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड।
बात। बहू जी, आपने तो मुझे डरा दिया। धीरे बहू, धीरे, क्या कर रही है? ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। अरे बहू बेटा, जादुई अंगूठी तेरे साथ है तो फिर भी हाथ का इस्तेमाल कर रही है। बाबू जी, घर के सारे काम ना मैं जादू से करती, लेकिन आपकी फोटो मैं अपने हाथों से साफ करना चाहती। अच्छा चल, बहुत दिन हो गए कोई मैजिक शो नहीं देखा, कोई छोटा मोटा जादू तो दिखा मुझे। अच्छा अभी बता। बाबू जी अब देखिएगा, रिंग रॉन्ग रिंग, ये कुर्सी अपनी जगह पे पहुंच जाए। रिंग रॉन्ग रिंग। भाभी, क्या हुआ अजय? भाभी मेरी शक्ल देखिए, मैं आपको बेवकूफ लगता हूँ? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्या हुआ? अरे इस मोहल्ले में कुछ लोग हैं जो मुझे बेवकूफ समझते हैं। लेकिन अजय हुआ क्या? भाभी मेरा दोस्त सुरिंदर। ये क्या हुआ? मैंने कुर्सी खींची थी, आप वापस कैसे गई? नहीं नहीं, ऐसा कब हुआ? ऐसा तो नहीं हुआ। भाभी ऐसा हुआ, मैंने कुर्सी खींची, मैं उसमें बैठने गया और ये कुर्सी वापस खिसक गई। अब फिर से खींच के देखो, चलो देखो, चलो बैठो बैठो। रिंग रॉन्ग रिंग, ये कुर्सी वहीं रुक जाए। रिंग रॉन्ग रिंग। ये कुर्सी खींची, बैठो बैठो बैठो। अरे बैठो। अजय कुछ हुआ? नहीं। लगता है सुरेंद्र मेरे सर पे चढ़ गया। खैर चलता हूँ भाभी। हाँ। बच गई। आप आ गए? आंसी जी, कुछ खाने को दो, बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। अच्छा आंसी, मुझसे तो कुर्सी तक नहीं हिल रही है। कुर्सी तो कुर्सी, ऑफिस में तो पानी का गिलास तक नहीं उठ रहा था मुझसे। अरे उठता कैसे, ऐसा चिपकाया कि विजय उखड़ गया लेकिन क्लास नहीं उठा। बड़ा मजा आया होगा राज, काश मैं वहाँ होती। You missed the fun. अगर तुम वहाँ होती तुम्हें मालूम चलता कि मैं कितना कमजोर महसूस कर रहा था। एक काम करो मानसी, मेरे लिए बादाम के लड्डू बना दो प्लीज। जी मैं बना दूंगी, लेकिन आपके प्रमोशन का क्या हुआ? लगता है इस बार फिर राज प्रमोशन ले जाएगा। राज भाई सबको क्यों, उनको क्यों, आपको क्यों नहीं? उसी का आइडिया बॉस के सामने ऐसा सरकाया कि विजय सर सराता रह गया। मतलब राज तुम्हारा प्रमोशन पक्का? पक्का। बेचारा विजय बहुत कमजोर लग रहा था। और उनको पता भी नहीं होगा कि वो कमजोर क्यों हो गए हैं। सॉरी राज, सॉरी, नाक टूट गई क्या? चलिए कोई बात नहीं, हमेशा ऐसा होता है, आपके काम का क्रेडिट राज भाई सब ले जाते हैं। कोई बात नहीं, सुनिए अब कल ना प्रमोशन के बारे में ना बॉस से जरूर बात कीजिएगा प्लीज। वादा तो नहीं करता लेकिन कोशिश जरूर करूंगा। और मानसी मेरे लिए बादाम के लड्डू नहीं, मेथी के बना दो, नहीं देसी, जो तुम्हें समझ में आए, जो इजीली बन सके बना देना। ठीक जी, मैं बना दूंगी, आप जाके फ्रेश हो जाइए। जाइए मानसी जी। सो स्वीट जी, कुछ कहा? सो स्वीट, सो स्वीट, आप जाके फ्रेश हो जाइए। जाइए बंटी, स्कूल चला गया? सुबह के 9 बज रहे हैं, आपको ऑफिस नहीं जाना है क्या? उठिए, अरे उठिए ना, उठिए। सॉरी बॉस, सॉरी सॉरी। क्या हुआ? अरे क्या हुआ, ऑफिस नहीं जाना है? ऑफिस जाना तो चाहता हूँ लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा है। रात को बहुत कमजोरी लग रही थी और फिर ठंड भी लग रही थी। तो मुझे उठाया क्यों नहीं? पानी का गिलास तो उठा नहीं पा रहा हूँ,
तुम्हें कैसे उठा था? अच्छा सुनो, आज ऑफिस जाना जरूरी है क्या? बहुत जरूरी है, प्रमोशन के बारे में बहुत से बात करनी है ना। हाँ मैं नहीं चाहती हूँ आपके काम का क्रेडिट राज भाई साहब ले जाएं। चलिए उठिए, मैं आपके लिए कपड़े निकाल देती हूँ, जल्दी उठिए। और सुनिए, आज मैं डिसाइड करूंगी कि आप कौन से कलर की शर्ट पहनेंगे। हाँ ये अच्छी रहेगी, सुनिए ये शर्ट बहुत। ये तो सो गए, चाहे कुछ भी हो जाए आज इनको ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा। जो मैं सोच रही हूँ उसमें तो बहुत रिस्क है, लेकिन फिर भी उनकी प्रमोशन के लिए मुझे रिस्क लेना ही पड़ेगा। पहले सबके लिए लंच और नाश्ता रेडी किया जाए। रिंग रॉन्ग रिंग, लंच और नाश्ता रेडी हो जाए। रिंग रॉन्ग रिंग। भाभी, भाभी, अरे वाह इतना कुछ। भाभी थोड़ा मीठा खिला दो, बहुत अच्छे काम के लिए जा रहा हूँ। अभी लो। ये लो, खीर खाओ। वैसे अजय इम्पोर्टेंट काम क्या है? भाभी आज मेरी सुलेमान बख्तर साहब के साथ अपॉइंटमेंट है, आज पूरा दिन मैं उन्हें अपनी नई नई कहानियां सुनाऊंगा। भाभी मैं जानता हूँ कि आप क्या सोच रही हैं, लेकिन कभी कभी हीरे को खुद चल के जौहरी के पास जाना पड़ता है। बहू मेरा नाश्ता। जी माँ जी आपका नाश्ता, आपकी फेवरेट कचौरी और खीर। सियापति रामचंद्र की जय बहू। वैसे आजकल ना तू बहुत तेजी से काम करने लगी है सब है जी। और हाँ माँ जी मैं ना बाजार जा रही हूँ। हाँ जा जा। और हाँ माँ जी इनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो ये आज ऑफिस नहीं जा रहे। अच्छा खैर खैर मैं उसका ख्याल रखूंगी, तू जा लेकिन जल्दी आ जाना, मेरे लंच का टाइम होने वाला है। माँ जी मैंने सारा खाना तैयार कर दिया है। अरे वाह। और हाँ माँ जी आपको बाजार से कुछ चाहिए? हाँ मेरे लिए ना वो लो कैलोरी शुगर फ्री मोती चूर के लड्डू ले आना, देसी घी में बने हुए। मुँह क्या देख रही है, जाना। जी जी माँ जी। खीर। रिंग रॉन्ग रिंग, मैं विजय की तरह दिखने लग जाऊं। रिंग रॉन्ग रिंग। से कुछ अगरबत्तियां लेती आए। बहू आई माँ जी। विजय तेरी अपनी आवाज तो ठीक से निकलती नहीं, तू लड़की की आवाज क्यों निकाल रहा है? वो क्या है ना माँ जी, माँ मेरी आवाज में जरा बैठी हुई है। विजय जब किसी की आवाज बैठती है ना तो वो भारी हो जाती है ना कि और सुरीली। ऐसा क्या? वो क्या है ना माँ जी, मेरी आवाज बैठी नहीं है, मेरी आवाज खड़ी हो गई है। मानसी तो बाजार गई है, मुझे लगता है मुझे भी चलना चाहिए, मैं भी ऑफिस जाती हूँ, जाता हूँ। सुन सुन, बहू कह रही थी कि आज तेरी तबीयत ठीक नहीं है और तू ऑफिस नहीं जाने वाला। हाँ मेरी तबीयत खराब थी पर अब ठीक हो गई है, तो मैं सोचती हूँ, मतलब सोचता हूँ कि मैं घर में बैठ के क्या करूँगी करूँगा। माँ आज मेरा ऑफिस जाना बहुत जरूरी है, मुझे आशीर्वाद दे दो कि मेरे बॉस मुझे प्रमोशन दे दे, मैं चलता हूँ माँ। सियापति रामचंद्र की जय। मॉर्निंग माँ। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.